पश्चात्पदशतायाः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेताधर शिवाशरी गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ग्रंथराश्रीमद्भागवत की हमने श्रीमद्भागवत का पहला स्कंद से पठ करे थे। वाह चलिए तो हम षष्ठ अध्याय पहले षष्ठ अध्याय 33 नंबर श्लोक का पाठ किया था। प्रगायत शबीर जानी तीर्थ पाद प्रिय शव आहुत एवं शीघ्र दर्शन जाति चेतुष। नारद मुनि कहता है भाई देखो जय में भगवान श्री कृष्ण का समुद्र महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ तो ही में वे मेरे हृदय स्थल प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। तो नारद मुनि कितना महान भक्त है, भगवान का गान गाने से भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। अर्थात भगवान उनके नाम से अभिन्न है, तो नाम लेना भगवान की शक्त उपस्थित। इसीलिए भक्त लोग भगवान का आंखों में नहीं देखना चाहते। भगवान का नाम क्या है, जो भक्ति नहीं करते उनको समझ में नहीं आता है अरे भगवान का देखा। लेकिन भक्त जानते हैं भगवान नाम अभिन्न है, नाम लेना भगवान हृदय में है। एतथी आतुर चित्तानां मत्तस्पर्श इच्छामः भवसिन्धु प्लव दृष्ट हरिचर्च अनुवर्णन। बहुत सुंदर। एतत् ही आतुर चित्तानां, आतुर चित्त शब्द आतुर चित्त, आतुर अर्थात कष्ट में जो पीड़ित है। तो जो लोग जिनकी चित्त सदैव चिंता से भरा है, आतुर चित्त क्यों, मात्रा स्पर्श इच्छा मोह। मात्रा स्पर्श शब्द अर्थात क्या, इंद्रियों का विषय से इंद्रियों का भोग करने का वासना। सारे जगत में आदमी क्यों दुखी है, इंद्रियों से इंद्रियों को भोग, इंद्रियों के विषय को भोग करना चाहते हैं। मुंह हमेशा इंद्र तृप्ति करना चाहते, इसीलिए वो हमेशा ही दुखी है, आतुर चित्ता ना। इस तरह विषय भौतिक जगत का भोग करने के लिए हमेशा जो दुखी होता है, इस तरह व्यक्ति यदि भव सिंधु प्लव दृष्ट, यदि भव सिंधु ये भौतिक जगत को प्लव प्लव अर्थात ना बनाना चाहते, अर्थात ये भव सिंधु यदि पार होना चाहते, इस तरह व्यक्ति भी जो आतुर चित्ता नाम, जो व्यक्ति आतुर चित्त है, दुख कष्ट भोग रहा है, मात्र स्पर्श मुह, मात्रा स्पर्श इच्छा, इच्छा करने के कारण मुहुर मुह दुख कष्ट भोग रहा है, और ये भव समुद्र इस तरह जगह डूब रहा है, उन्होंने यदि प्लव नाव से अतिक्रम करना चाहते हैं तो उनको दृष्ट अर्थात अनुभव की गई हरिचर्य अनुवर्णन। तो भगवान का वाणी, भगवान का महिमा कार्यकला कीर्तन करना चाहिए। भगवान का महिमा कीर्तन कला नाव है, ये नाव में चढ़ के आसानी से भी पार आ सकते। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तु में संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहता है, वे भगवान की दिव्य लीला के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। अच्छा तात्पर्य जगह है, तो ये भौतिक जगत कैसे पार हो सकते हैं, आसानी से कोई भी व्यक्ति केवल भगवान का महिमा कीर्तन कर। तिया पूर्वज लिखते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ी समय भी मौन नहीं रह सकते, वह कुछ ना कुछ करना रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसी विषय के बारे में सोचते तथा बातें करते जो उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंग शक्ति के प्रभाव वश की जाती है, अतः इंद्रियों
के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाता है जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्होंने तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। जो चीज तुष्ट नहीं करते उसको हमको तुष्टि करेंगे, इसीलिए दुखी होता है। और तब नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरात ऐसे हताशा लोग को तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकता है। बात इतनी सी ही है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना चाहिए, बहुत सरल बात है, केवल विषय वस्तु को बदल देना है। बात इतना ही है, वो तो कुछ ना कुछ तो बात करेगा, भौतिक विषय बात छोड़कर भगवान को बात कर ना, तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक जाता है सकता है ना, अनुभव करने चाहने या कार्य करने से रोक सकता है, कुछ जरूरत नहीं है। किंतु यदि कोई विषय वस्तु किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसके केवल विषय वस्तु बदलने हो, ये कितना सरल है, कुछ रोकना कठिन ना सकता, बात करना बंद है, अनुभव करना बंद है, चाहना बंद है, नहीं कुछ नहीं, केवल विषय वस्तु बदल। बहुत सुंदर है, उसे चाहिए कि मरणशील मनुष्य को राजनीतिक चर्चा ना चलाकर स्वयं भगवान के बारे में चर्चा करे। राजनीति चर्चा करते हैं नहीं करके भगवान में चर्चा करें। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलाप में रुचि देखकर सिनेमा एक्टर अभिनेत्री अभिनेत्री की देखकर उनके बारे बात करके आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन उनके नित्य पार्षद भगवान के जो नित्य गोपीय तथा लक्ष्मी के साथ लीला की और ध्यान दे, बस इतना केवल। राजनीति की चर्चा नहीं करके कृष्ण का राजनीति चर्चा करो, अर्जुन का सिनेमा का अभिनेता अभिनय नहीं करके कृष्ण के साथ गोपिया का लीला चर्चा करो। सर्वशक्ति भगवान अपने अहितु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुष के ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वो होते अद्वितीय है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। इसीलिए शिष्य में भक्ति चार गुरु मान सोचा, आदमी वीडियो देखना चाहता है इसलिए सिनेमा बनाया, परिक्रमा सिनेमा बनाया बांग्ला में, और वीडियो देखना चाहता है 26 घंटे का प्रभुपाद का जीवन हिस्ट्री लाइव हिस्ट्री देखा, और केवल इंडिया का कहानी नहीं है, अमेरिका यूरोप अलग अलग जगह जाकर प्रभुपाद जो जो लीला किया वो लीला भी दिखा। अब घर में बैठ कर प्रभुपाद का कृष्ण के साथ लीला अमेरिका यूरोप वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर सब बैठ सकते वीडियो देखते, बस कृष्ण चैतन्य वहां वही समस्त बौद्ध जीव के लाभ के लिए ऐसे करते हैं जिससे वो लोग आध्यात्मिक और ध्यान दे। ऐसे करने से बौद्ध जीव क्रमश दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्ट के स्रोत इस भावसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, हमें भी ऐसे ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्ह का अनुसरण करने लगे। कितना सरल बनता है, सारे दुख कष्ट से मुक्त किया भगवान का वाणी। हाँ, उसके लिए फेमस गान कौन सा है किसकी याद है? तब कथामृतम तप्त जीवन, ये जो तापी हुआ इतना कष्ट भोग रहा है केवल भगवान की कथा कहने से सारे कष्ट दूर है, और हमारी बात नहीं है, कवि विरीतम ये बहुत बहुत मुनि जुगी ऋषि ने इसको शिकार किया है बात को। तो अभी हर जगह में शास्त्र का एक जगह जो कोई विरोधाभास नहीं है, यह पे जो बात बोलता है उधर मेरा भागवत मां दशम स्कंद सेम बातें करते, केवल भगवान का लीला करता। नहीं नहीं, हम अष्टांग योग करेंगे उसका समस्या क्या, अष्टांग योग करे अष्टांग योग के अष्ट सिद्धि प्राप्त होगा उसके माध्यम तो इंद्रिय तृप्ति होता है। हाँ होते हैं, जमादिवीर योग पथई काम लोभ हत मुह मुकुंद शिवा जद्वा तथा आत्मा
अध्या न सम्मति सम्मति, यह विख्यात श्लोक। कोई बोल सकते नहीं हम अष्टांग योग करेंगे, हाँ होता है जम आदि भी योग पथ है। ये योग का पद जो है जम आदि भी, जम आदि जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याय ध्यान धारणा समाधि, ये जम आदि, ये योग का पद में काम लोभ हतमोह, काम लोभ भी नाश होता है। आपने कहा ये काम लोभ नाश करने के लिए भगवान का लीला कीर्तन करना चाहिए, लेकिन हम तो जमादेवी योगपति कर सकते, तो नारद मुनि में हाँ वो बात भी सही है, जमादेवी योगपति काम लोभ हतमोह, काम लोभ को समाप्त हो जाते, हतमोह हो जाते। लेकिन मुकुंद शिवाय जद्वा, लेकिन भगवान कृष्ण के सेवा में जिस तरह नाश होता है तथा आत्मा न सम्मति, आत्मा उसी तरह तुष्ट नहीं होता है जिस तरह भगवान के सेवा में होती, जिस तरह ध्यान करना और भगवान के प्रसाद खा के डांस करना, दोनों जगह एक ही आनंद है क्या? नहीं, जम नियम आसन प्राणायाम करना, एक जगह बैठ के प्राणायाम करना और ध्यान करते करते नींद आ जाना, यह समस्या हो सकती। सफल जो कि क्या हो सकते, लेकिन ज्यादा से असफल हो जाते, और फिर भी वो पद बहुत कठिन है। लेकिन यह नारद मुनि स्पष्ट बता दिया है कि यह सत्य है कि योग पद्धति जम नियम आदि द्वारा इंद्र के वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोक के चिंता से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा ही प्राप्त किया जा सकता। यद्यपि नारद मुनि ने थोड़ा स्वीकार किया, लेकिन प्रभुपाद में तात्पर्य ने कहा जरूरत नहीं है, भक्ति करो सरल है। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन विचार भाव इच्छा एकाग्रता ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन होना। इस तरह गुरु महाराज ने कहा है, इस तरह जो अनुवाद देख के लगता है वो व्यक्ति का भगवत भक्ति में नहीं है, क्योंकि ये देख के प्रभुपाद इंग्लिश में समझाने के लिए लिखा जरूर, लेकिन जो भगवत भक्ति युक्त उनको पता है यह क्या बोलना चाहते प्रभुपाद। आसन जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसके बारे में प्रभुपाद बोलना चाहते, ये अष्टांग योग का ये अभ्यास में लीन हो जाने के जो योगिक क्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियों को सांप के विषैला सांप के साथ तुलना की, इंद्रिय विषैला सर्प के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इंद्रिय विषैला सांप है और योग पद्धति विषैला सांप के वशीभूत करना है, और भक्ति है विषैला सांप का दांत तोड़ देना है। तो जो वश करते हैं वो कभी भी काम काट सकते डर है, लेकिन भक्त विषैला दांत का उखाड़ देते हैं तब काटने से कुछ फायदा नहीं। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध के दूसरी विधि बात है, अष्टांग योग के विपरीत नारद मुनि एक दूसरा विधि बात है जो भगवान मुकुंद के दिव्य प्रेम भक्ति है। वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना से अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली, दोनों तुलना कर रहे हैं। अष्टांग योग है कृत्रिम विधि और भगवत भक्ति व्यवहारिक तथा प्रभावशाली। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रिया दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है, इस प्रकार उनकी इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों का कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रुकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है, जो ही सांप आता है, तो ही सांप उसी इंद्रिया अवश्य उसका लाभ उठाना चाहते हैं। इतिहास में उनका बहुत दृष्टांत है। प्रभुपाद वृंदावन भजन में लिखते हैं, जोगी आसने बसे छिल विश्वामित्र, जन्म दिल शकुंतला सुंदरी पवित्र। विश्वामित्र ने योगी का आसन बैठा था, लेकिन इंद्रिय दमन नहीं करता, सुंदर शकुंतला का जन्म दी मैंने कर। उसके बाद पूर्व बात लिखते हैं, यही भावे योगभ्रष्ट ज्ञानी की कथा
कर्मी जन मुरोजन व्यतीत सर्वदा। इस तरह जब योगी के हालत यह है तो ज्ञानी के बात चर्चा करना किया जरूरत है और कर्मी की बात तो छोड़े दो। लेकिन उसके विपरीत भक्ति इसी तरह सुंदर वस्त्र से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास की मोहने है, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा नहीं सकता। भक्ति कितना शक्तिशाली। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो जग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति का। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धति इसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अभी तो मिश्रित भक्ति कहा जाती है। श्रीमद भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः दिव्य साक्षात्कार के विभिन्न पद्धति का विस्तार करें। सर्वं तत् इदम् अख्यातम् यत् पृष्ठ अहम् तयानग जन्म कर्म रहस्यम् मे भवतो च आत्मतोषणम्। सर्वं तत् अख्यातम्। हे व्यासदेव, तुम जिसने जिसने प्रश्न मुझको पूछा था सारे तत् वो सारी चीज इदम् अख्यातम् में वर्णन किया। यत् पृष्ठ अहम् तयानग हे निष्पाप तय अनघ हे निष्पाप व्यासदेव, जत पृष्ठ अहम आपने मुझको जो जो पूछा है सर्वं तत् इदम् अख्यातम्। सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दिया। कौन सा? आपने मुझको बोला जन्म से शुरू कर शाह, हाँ जन्म कर्म रहस्य में, मेरा जन्म कर्म का रहस्य किया, मैंने पूर्व कल्प में किया था, अभी क्यों मृत्यु नहीं होता है, वो पूर्व कल्प में मरने के बाद फिर सारी चीज कैसी याद है, पूरा रहस्य बताया। क्यों? भगवत आत्मतोषणम, आपका तुष्टि के लिए। हे वैष्णव, तुम समस्त पाप से मुक्त हो। इस तरह ऐसे तुमने पूछा, जैसे तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद। व्यासदेव की जिज्ञासा की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। यह देख कितना महत्वपूर्ण है। एक भक्त कहाँ से शुरू करने, भक्ति कहाँ से खत्म होगा, पूरा विस्तृत अध्ययन। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ते गए। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है। जहां तक कि एक छोटे से बालक ने अपने एकमात्र संरक्षित माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पाया, फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नृत्य से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर से परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्ति भगवान धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्य का अनुभव नारद जी स्वयं करते, अतः ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके सही से उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषद में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतः श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है।
उसके बाद श्रुति गोस्वामी कहते हैं श्रुति उवाच एवं संभाष्य भगवान नारद वासुकीसुत आमंत्र बिना रणय जजो यदिश्यक मुनि। श्रुति गोस्वामी कहानी तो नारद संवाद समाप्त है। श्रुति गोस्वामी अभी शौनक ऋषि को आदि मुनि को कहता है एवं संभाष्य भगवान नारद भगवान यह नारद मुनि का भगवान की भगवान की तरह शक्तिशाली नारद जिन्होंने वासुकीसुतम सत्यवती का और एक नाम है वासुकी तो वासुकीसुत मत सत्यवती पुत्र नारद मुनि सॉरी नारद भगवत नारद भगवान नारद मुनि ने वासुकीसुतम व्यासदेव को एवं संभाष्य इस तरह बोलकर आमंत्र बिना रणयन बिना बजाती हुई जयो जदिच्छुक मुनि उनके इच्छा से चले गया जदिच्छुक जहां इच्छा उनका संपूर्ण स्वाधीन है किसी पर अधीन नहीं। श्रुति गोस्वामी ने कहा इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपने बिना को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्र चाहते हैं क्योंकि वह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियम से बाधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना है कि ये दुनिया में ठीक से नहीं घूम सकते तो ये चंद्र प्रभात का चांस मिलने से सब चांस मिलने से साइंटिस्ट को अटैक करते हैं। तो जब एक जगह से दूसरा जगह स्वच्छ नहीं जा सकते तो एक ग्रह से दूसरा ग्रह कैसे जा सकते, उसका शरीर होना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे और कितना कपड़ा ठंडी के कपड़े लेके जाना पड़े और नारद मुनि एक ग्रह से दूसरा ग्रह जाने के टाइम उस तरह ठंडी के कपड़े के लिए उस तरह बैग तो साथ में तो है नहीं और प्लेन जब ऊपर जाते हैं आकाश में अधिकतर -50 के ऊपर चलते हैं प्लेन जा जाते हैं। तो नारद मुनि का हमारे तरह शरीर होता था तो अंतरिक्ष में जो चलते वो इतना ठंडा है कैसे चलेगा उधर में। सूर्य लोक में जाना पड़ते हैं सूर्यदेव के देखने उधर में कैसे जाएंगे। तो यह से पता चलता है नारद मुनि का शरीर हमारे जैसे शरीर दिव्य शरीर है। एक ग्रह से दूसरा ग्रह ये भौतिक शरीर से नहीं जाता, जाने के लिए उस तरह योग्यता होना चाहिए। नारद जैसे मुक्त पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के जशोगान में लगे हो न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है वो भी तो ब्रह्मांडों के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उसकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता का कल्पना ही कर सकते हैं जो भगवान की स्वतंत्रता जैसे ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है न कोई दायित्व है और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारे क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को हजार प्रयत्न के बाद भी प्राप्त न हो पाए और तो भक्ति के समस्त पक्ष में स्वतंत्रता ही मुख्य ढूरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान के शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। भक्ति जीवन केवल एकमात्र स्वतंत्रता है। भक्ति जीवन संपूर्ण शरीर
অহ দেবর্ষি ধন্য অয়ম জাত, অহ দেবর্ষি ধন্য অয়ম যত কীর্তিং সারঙ্গ ধন্যন গায়ন মাদন ইদম তন্ত্রা রময়তি আতুরম জগত। এ আতুরম জগত, এ জগত আতুর জগত হ্যাঁ, বহুত দুঃখী জগত হ্যাঁ। এ দুঃখী জগত মে নারদ মুনি রমায়ণ, নারদ মুনি ঘুমকে ঘুমকে দুঃখী জগত কো জীবন দান করতে কিস তারা অহম অহ দেবর্ষি ধন্য হে দেবর্ষি নারদ আপ ধন্য হো আপ সফল হো কিন্তু যত কীর্তি যত কৃত্রিম সারঙ্গ ধন্যান জিনোনে সারঙ্গ ধন্যান ভগবান উনকা লীলা গায়ন মাদন গান করতে থে আনন্দ লুটতে থে ইদম তন্ত্রা তন্ত্র বিনা যন্ত্রসে ये नारद मुनि आदिवर्षी नारद आप धन्य हो धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीला के जशगान करते हैं और ऐसे करते वे स्वयं तो आनंद लुटती है और ब्रह्म समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने गायन माध्यम तंत्र उनके बिना से तो आनंद लेते हैं साथ साथ रमायण आतुरम जगत ये दुखी जगत को भी आनंद देते, इसलिए वो नारद मुनि का जय। श्री नारद मुनि अपने बिना भगवान के दिव्य लीलाओं के जशगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। श्री नारद मुनि दुखी वासियों की अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनके एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम उपास ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है, ये उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्ह पर चलते हैं। तो प्रभुपाद हमको बताते हैं हम लोग को जो भक्त होना चाहते हैं बोलते हमें भी उस तरह होना चाहिए। यह उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्त, आप जो खुद को असली भगवत भक्त समझते हैं तो उनको नारद मुनि की तरह करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये असली भगवत भक्त ये काम है कि नारद मुनि के पद चिन्ह पर चलकर सारे जगत को दो काम करना, एक कीर्तन करके आनंद लुटना और दुखी जगत को सुखी बनाना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति का तात्पर्य पूर्ण। तो नारद मुनि के पास ये उपदेश सुनने के बाद व्यासदेव ने भागवत रचना शुरू की। कहाँ से भागवत शुरू होगा तो हम काल देखेंगे कहाँ से भागवत से शुरू। हरे कृष्ण कृष्ण पियली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, श्लोक नंबर 28 में लिखा है इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो नारद मुनि को तो बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान था, तो वो किस तरह सकाम कर्म के फल से बंधे थे? हमें सकाम कर्म के जो फल है केवल एक जन्म का नहीं है, पिछले जीवन के बारे जो बताए ना, पिछले वो तो लास्ट जन्म नहीं था, उसके उसको पहला जन्म नहीं था, उसके जन्म के पहले बहुत जन्म हुआ था, तो वो सारे जन्म जन्म जन्मांतर का कर्म फल तो था। और एक से चार साल तक कुछ पाप कर्म किया नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, एक से चार साल कुछ ना कुछ हो भी सकते, छोटा मोटा पाप कर्म तो सभी करते, रास्ते में चलने गए चीटी पेड़ के नीचे गिर के मर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पाप कर्म होते हैं। लेकिन भगवत भक्ति इतना शक्तिशाली है सब को जल के रख लेते। सचिन प्रभु हाथ उठाया, ओके ईश्वर देखो।
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मुझे एक लाइन का मीनिंग एक बार समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो लिखा है, भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है, ये एक बार अच्छे से और ये समझा तेरा दीजिए। भाषा में वो भगवान को स्वतंत्र नहीं, भगवान जो हमको स्वतंत्रता दिया है उसके बारे में कहते हैं। वो भाषा थोड़ा बोले, भगवान को स्वतंत्रता नहीं, भगवान ने जो हमको स्वतंत्र, वो भाषा इस तरह का, भगवान जो हमको स्वतंत्रता दिया है, जितना स्वतंत्र। ओके, मैं फिर इंग्लिश देखता हूँ। यस महाराज। हाँ, वो कौन सा श्लोक? इट्स 37 आई थिंक, 37। यस 37 महाराज, हाँ, वहाँ चलो तो समझ। चैप्टर चैप्टर 6 37। मैं जब पढ़ा था उसे मेरा फिर नॉलेज में आया था। We can just imagine the extent and unlimitedness of his freedom, which is as good as the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling, and no one can stop him from his free movement. Similarly, the translated system of devotional service is also free. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of devotees is also free. One may be fortunate to have it or may not have it even after thousands of endeavors. Therefore, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom, there is no execution of devotional service. The freedom surrendered to the Lord does not mean that devotee becomes dependent in every respect. ठीक है, वो भाषा यह क्लियर हो। द फ्रीडम सरेंडर टू द लॉर्ड डज नॉट मीन दैट डिवोटी बिकम्स डिपेंडेंट इन एवरी रिस्पेक्ट। यह अर्थ है, हमें हमें मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने का अर्थ है भगवान समर्पण। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओ अच्छा, मैं स्क्रीन देखा है क्या? हरे कृष्णा, मैं नो सॉरी। नो नो महाराज, ना स्क्रीन नहीं दिखाया लेकिन समझ में आया महाराज अच्छा, अभी। ना ना, आई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। द फ्रीडम सरेंडर टू द लॉर्ड डज नॉट मीन दैट द डिवोटी बिकम्स डिपेंडेंट इन एवरी रेस्पेक्ट। यह क्या बोलना चाहते हैं पूर्वज? बोलना चाहते हैं हमारी असली मुक्ति है भगवान का अंदर शरणागत है, शरणागत। और शरणागत अर्थ यही नहीं है भगवान हमको खुद स्वाधीनता नहीं देते, सरेंडर अर्थ पूरा नौकर बन के रहे। असली मुक्ति है भगवान का शरणागत। और शरणागत का अर्थ यही नहीं है भगवान हमको कुछ नहीं करने देगा, ये बैठे हो, ये खड़ा हो, ये चलो, हमेशा से ऑर्डर करते रहे, उस तरह नहीं है। क्लियर? ओके, सुमना गोरेंगे माता। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जब जो योग पद्धति करते हैं उनका काम क्रोध तो कंट्रोल में हो जाता है लेकिन उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता। तो महाराज जैसे कि अभी हम लोग का कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत तरह की तपस्याएं करते हैं, हविष्यान या फिर एक टाइम अन्न खाना या इस तरह का। तो जब इस तरह की तपस्या कोई करता है तो उससे क्या फल प्राप्त होता है? वो देखना चाहिए, कृष्ण जी तो खुश होगा करेंगे, कृष्ण खुश नहीं होगा नहीं करेंगे। हम दूसरा फल तो चाहते ही नहीं। ये तपस्या करेंगे, मेरा बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा कार्तिक महीने का तपस्या से, लेकिन वो पैसा कमाने से भक्ति नाश हो जाएगा, तो चाहिए क्या उसको? नहीं चाहिए। तो हमें भक्ति के आने के बाद पता चला भाई
उस चीज को इसका काम का नहीं है। इसीलिए भक्ति आने के बाद तपस्या जो कुछ है सब कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए नहीं तो इसका तपस्या जरूरत नहीं। कृष्ण यदि कार्तिक महीने में 10 बार खाने से खुश होगा तो हम 10 बार रखेंगे। कृष्ण यदि खुश होगा तुम कुंभकर्ण में कार्तिक महीने कल कब सोते रहो तो हम बस भी करेंगे, कृष्ण खुश है। जैसे महाराज ये तो आया है ना शास्त्रों में, तभी तो हम लोग को पता चल रहा है कि हविष्यान खाना चाहिए या इस तरह का करना चाहिए, तभी करते हैं हम लोग। शास्त्र में बहुत सारे वर्णन है जो सही ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहा है उनके लिए अलग अलग स्टेप दिया है, ये करो ये करो ये करो, लेकिन जो शुद्ध भक्ति कर पा रहा है उनके लिए कुछ जरूरत नहीं। महाराज अभी तो हम लोग का तो लेवल बहुत डाउन है, एकदम नीचे के स्तर पे है। हाँ, लेकिन फिर वो नीचे से जल्दी उठने के लिए हरिनाम श्रेष्ठ है तपस्या से। बहुत नीचे है वहां से उठने के लिए तपस्या शक्तिशाली नहीं है, वहां से उठने के लिए महापुरुष का पंथ है, नाचो गाओ और खाओ बस, नाचना गाना और खाना। इसलिए ज्यादा कुछ जोर दिया ही नहीं है। प्रभुपाद एक बार गुरु महाराज के कहा वृंदावन में, बोले आज मेरे लिए शाक बनाना, शाक ही बना तो गुरु महाराज किचन में चले गया, किचन में तो जाने से एक भक्त रहना है ये महीने तो शाक बढ़ चले। तो प्रभुपाद कहा कर प्रभुपाद चाहते मैंने ये महीने शाक, तो प्रभुपाद ने कहा सबने पालन करते है क्या? सबके जरूरत है कि? तो गुरु महाराज में समझ गया प्रभुपाद क्या बोलना चाहते, तुरंत बाजार से जाके आगे प्रभुपाद के लिए बने। तो प्रभुपाद जो पंथा दिया है वो श्रेष्ठ है। ये कार्तिक महीने के बारे जितना आप बोल रहा है, प्रभुपाद कितना बोला उसके बारे, और सोलह वाला जप करने के लिए सुबह मंगल आरती उठने के बारे, भागवत पढ़ने कितना हजार बार बोला उसके बारे की चर्चा नहीं होते। कार्तिक महीने बोले जितना ढाक ढोल पिटाते हैं हाँ कार्तिक महीना करो कार्तिक महीना करो, तो प्रभुपाद जो इस सोलमाला करने के लिए सुबह सुबह उठने के लिए भागवत पढ़ने के लिए प्रचार करने के लिए कितना बार कहा है? आज आज भी बोला बिना बाजा का प्रचार करो, कहा थोड़ी जो घर में बैठ के कार्तिक व्रत पालन करो। उन्हें के लिए महीने में बिना बाजा के प्रचार करने जाओ। हरे गौरी माता जी हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन बांग्लादेश को लेकर है। जो बांग्लादेश में हुआ मतलब डिवोटिक्स के साथ हुआ वो तो ठीक है, चलो कि शायद उनका पूर्वजन्म का कोई कर्म था, लेकिन डीटीस को जो नुकसान हुआ मतलब ऐसा कैसे हो गया? राधा रानी और कृष्णा मतलब उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं उनके साथ? हाँ, भगवान जब करते हैं ना तो उसी टाइम समझ में नहीं आते। जिस तरह जरासंध के बाद 17-18 बार उन्होंने भाग गया था आदमी, अरे ये तो हार गया है, कृष्ण डर गया है, लेकिन वास्तव में वो का उद्देश्य नहीं था। तो भगवान के उद्देश्य तुरंत पाता बाद में पता चलता है। जिस तरह औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़ा अनेक आदमी, लेकिन उसके कारण क्या हुआ? मुगल सम्राट इतना शक्तिशाली था, उन्होंने लास्ट राजा था वो ध्वंस, पूरा मुगल साम्राज्य ध्वंस है, उनके वंशों का भी अस्तित्व नहीं, कितना दिन का बात है, केवल 250 साल नहीं है, उनके पूरा वंश निश्चिन्ह हो गया। तो भगवान का जो हाथ है वो थोड़ा तुरंत तो पता नहीं चलता, बाद में पता चलेगा इसका भगवान के क्या उद्देश्य। हमें चैतन्य महाप्रभु का कृपा देख रहा है, सारी दुनिया चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म में, सब व्यक्ति कृष्ण भक्ति ग्रहण करके उनका जीवन धन्य हो। आदमी आदमी देश भूलकर, आदमी केवल पशु पक्षी भी, हरिनाम इतना शक्तिशाली है पशु पक्षी भी देश भूल रहा है। आप देख लीजिए भक्तों के समाज में जो हरिनाम करता है प्यास लहसुन खाना छोड़ देता है, मस मछली खाना छोड़ देता है, एक चीटी को मारना
मारते नहीं, शरीर पर मर्सक गिरते हैं, मर्सक नहीं मरते हैं। तो ये कृष्ण भक्त कितना शक्तिशाली है, हृदय को कितना निर्मल करते हैं। नारद मुनि एक बार पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे, तो वहां रास्ता में एक बोन के अंदर जा रहे थे, तो नारद मुनि का पर्वत मुनि का मेरा एक शिष्य धर्म है, चलो उनका दर्शन लेके जाते हैं। तो जब जा रहे थे तो देखा और शिष्य दूर से प्रणाम नहीं करके वो रास्ता सफाई कर रहा। तो नारद मुनि के नजदीक में पूछा, तुम उसको प्रणाम नहीं करके रास्ता की सफाई कर रहा था? तो उन्होंने बोला, गुरु महाराज मैं तो दंडवत प्रणाम कर रहा था, लेकिन उसी टाइम देखा रास्ता में कुछ चींटी है, तो आप प्रणाम करने से मर जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा रास्ता सफाई करने के बाद प्रणाम। तो नारद मुनि ने उनका बंधु पर्वत मुनि का कहा, नारद मुनि पर्वत मुनि देखो कृष्ण भक्ति कितना शक्तिशाली है, ये बैर पहले पशु हत्या करके आधा मार का मरा करके रख के आनंद लेते थे, आज गुरुदेव को प्रणाम करने के समय चीटी मरेगा उनका कष्ट हो। कृष्ण भक्ति इतना शक्तिशाली है, इसीलिए हमें यह शिक्षा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो हमको दर्शन दिया, प्रभुपाद जो शिक्षा दिया है, ये सारा जगत में प्रचार करने से सारे आदमी उनका विद्वेष भूल जाएगा। जिस तरह जगई माधाई को धैर्य हुआ था, कृष्ण भक्ति प्रचार करने से जो आदमी अज्ञ असुर जो इस तरह कर रहा है, वो भी जगई माधाई की तरह कृष्ण भक्त हो सकता है। ये बातें हमें विश्वास होना चाहिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा महाराज वो जो प्रचार करना चाहिए प्रभुपाद का ग्रंथ और हरिना। ठीक है महाराज, पर जो कुछ वहाँ हुआ वो देख के, मतलब वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है कि मतलब ऐसा सीन देख के बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, तो दुख की तो बात है हमें, और भगवान को तो और ज्यादा शरणागत होना चाहिए। भगवान हमारी कोई भक्ति नहीं है, हम भक्ति में इतना शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए हमारे आंखों के सामने में आपका इतना हो रहा है। आप हमको अच्छा भक्त बनाओ ताकि हम उनको सबको उद्धार कर सकते आपका शक्ति से। ठीक है महाराज, धन्यवाद। हरे चित्त, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। मेरा एक दो प्रश्न आ रहे थे मन में। एक प्रश्न था कि जैसे कई बार हम विचार करने का प्रयास करते हैं तो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा दिखने में आता है कि कुछ प्लान जो हमारे मन में, मतलब किसी और के मन में आते हैं, और हम उनको चिंतन भी नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो बाद में लगता है कि बहुत ही सरल थे। जैसे कि आज मैं सुना कि कुछ भक्त बाहर से प्रचार करने आए, तो वो कोचिंग्स में जाके भगवद गीता के बारे में बताए 15 मिनट 20 मिनट परमिशन लेके, तो 5-6 दिन में 500-600 भगवद गीता भक्तों स्टूडेंट्स ने ले ली। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा थॉट उस तरह से आया नहीं। तो कभी सोचने में आता है कि मतलब उत्साह की कमी है, या अलग अलग भक्तों से अलग अलग भगवान इस तरह कराना चाहते हैं। तो उनसे सुन के ऐसा लगता है कि आपको पसंद है, यदि भगवान इस तरह करना चाहते हैं तो भगवान पक्षपात है, भगवान उनको क्रेडिट देना चाहते मुझको नहीं देना चाहते, अर्थात आप नहीं कर पाते दोष देना चाहते भगवान को। एक तो बदमाशी कर रहा है, फिर भगवान का दोष दे रहे हैं, भगवान हमको नहीं दे रहे उनको दे रहे, ये भी तो पापी है, फिर पाप कर रहे इस तरह मनो होना नहीं चाहिए, देखना चाहिए। हमें दुर्भाग्य है, हमारा शुद्ध तो नहीं, प्रचार करने की इच्छा नहीं, भगवान उनके द्वारा करना चाहते। मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूँ, भगवान मेरा साथ नहीं चाहता है, मैं बोले रसगुल्ला खा छोलो, बस मेरा साथ वो लीला करना चाहता है भगवान। इस तरह सोचना चाहिए। ओके, आपको म्यूट हो गया है। महाराज उनसे सुन के फिर लगता है कि हमको भी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब हमारे मन में पहले नहीं आया तो अभी हम उसको जरूर करना चाहिए। और अच्छा भी लगता है महाराज कि वो मतलब किए हैं इस तरह से, ऐसा नहीं, बुरा नहीं लगता। मतलब एक प्रश्न और आ रहा था कि जैसे बताते हैं कि दो काम करने हैं, जन्म सार्थक करना है और परोपकार करना है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि खुद पे ज्यादा, जन्म सार्थक करने में ध्यान देना थोड़ा अच्छा है,
यदि हम अच्छे से जन्म सार्थक करते हैं तो हम दूसरों को भी वो चीज प्रदान कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये विशेष जो महीना है या विशेष दिन है, उनमें ज्यादा समय हम अध्ययन करना या ज्यादा हरिनाम करना, क्योंकि प्रचार में कई बार ऐसा लगता है कि कोई मतलब लिमिट नहीं है कि मतलब हम कहाँ तक, तो एक सीमा तक खुद को करना चाहिए। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? हमें आचार्य का दृष्टि में देखना चाहिए। पूर्ववाद क्या चाहते हैं? वास्तव में हम प्रचार करते करते शुद्ध हो जाएंगे, इस तरह नहीं, पहले पूरा शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद हम प्रचार करने जाएंगे। पूर्ववाद इस तरह कहानी, हम प्रचार करने जाएंगे तब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, प्रचार करते करते हम भी शुद्ध हो जाएंगे। कोई तो दावा नहीं कर सकते मैं संपूर्ण शुद्ध हो जाऊंगा उसके बाद प्रचार करूंगा, ये तो किसी को जीवन में होगा नहीं। इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए, जो जो चीज मिला है गुरु के पास, जो आनंद नाम को मिला है वो बांटना चाहिए। चाहे मतलब किसी भी दिन या महीने से उससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहा लिखा है प्रभुपाद का? कार्तिक महीने प्रचार नहीं करके केवल साधन भजन करो, कोई एक जगह में लिखा है? कार्तिक मास को ज्यादा पढ़ा नहीं महाराज, किताबों में तो नहीं पढ़ा प्रभुपाद की बुक्स। हाँ प्रभुपाद इस तरह का, आज ये कार्तिक महीना बहुत अच्छा महीना है, ये महीना प्रचार मत करो, खुद का साधना देखो, 64 माला जप करो, इस तरह लिखा है कोई जगह? फिर किसको बात सीखा है ये चीज? आसपास देखा है महाराज बस, और कुछ नहीं। तो उनको पास सीखेंगे प्रभुपाद का, प्रभुपाद के पास सीखना, इतना इतना प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ा है तो प्रभुपाद क्या चाहते हो नहीं समझना है। हमारे प्रभुपाद का शिष्य वर्ग अब देखा कभी जी, हम चतुर्मास कार्तिक महीने प्रचार करेंगे नहीं, एक जगह बैठ के रहेंगे, उनके पास कोई एकादशी चतुर्मास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 365 दिन प्रचार करना है। ये भाषा में पूर्वाद सुना जाता है, जिससे किसी घर में जो आग लग जाती है उसके लिए और अपेक्षा नहीं करना, बाहर में चिल्लाना पड़ेगा जाके रास्ता में आग लग गई बचाओ, तो वर्तमान स्थिति इस तरह हो गया, प्रचार करना बहुत जरूरी है। यस थैंक यू। चलो प्रभुपाद की जय। भागवत जय। हरे कृष्ण महाराज।